Hey Qs, how are you? Hope you guys are doing well and had a great day yesterday. So आज हम try कर रहे हैं कुछ exciting चीज़ करने की. मैंने बहुत सारे लोगों को देखा था, वो मोमो चैलेंज कर रहे थे, बट थोड़ी पुराना हो गया ये content. But still I am trying to do because I am a momo lover. ऑल टाइम मोमो लवर. तो मैं सोच रही हूँ आज 24 आवर्स मोमोज चैलेंज करते हैं. तो ट्विस्ट इसके अंदर ये रहेगा कि हम ट्राई करेंगे कि ये जो भी हमारा मोमोज चैलेंज होगा वो एक हम हेल्दी वर्जन में रखें, जिससे हमारी डाइट भी ख़राब ना हो, कोई इफेक्ट ना हो हमारी डाइट को. तो स्टार्ट करते हैं आज का चैलेंज. तो फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू हैव इन माई ब्रेकफास्ट इज़ लाइक मोमोज सैंडविच. जो मैंने थोड़ी बहुत वीडियोज़ देखी है मोमो सैंडविच की, विच लुक्स टेम्पटिंग, वही रेसिपीज आपके साथ में शेयर करूँगी. अगर ये अच्छा लगा तो डेफिनेटली थम्स अप, अगर नहीं अच्छा लगा तो थम्स डाउन. सो बनाते हैं और मिलते हैं अपनी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के साथ. तक के लिए बाय. सो यहाँ मैंने दो स्लाइस ब्राउन ब्रेड के लिए हैं. तो यहाँ मैं मिक्सचर लगा रही हूँ, जो भी मेरे पास बचा कुचा था, टमाटर, कैप्सिकम, शिमला मिर्च जो भी थी सब लगा दिए दही के साथ मिला के और शेजवान सॉस के साथ मिला के. अब मैंने एक ब्रेड पर शेजवान सॉस लगा दिए. चार मोमोज रख दिए जो कि मैंने पैन फ्राई किए थे, अब इनको हम ग्रिल कर रहे हैं. तो ये हमारा सैंडविच जो है रेडी हो चुका है. अब यहाँ पर मैं आइडिया लगा रही थी ये सैंडविच कैसा होगा खाने में. तो अभी थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ. ये ऐसी दो लुक दे रहा है और टेस्ट में पहली बाइट में तो टू बी ऑनेस्ट बड़ा ओके लगा, बट जब मुझे आई मोमोज की बाइट ना तो दैट वाज अमेजिंग. जस्ट सी द मोमो, जस्ट लुक एट द मोमो. और ये पैन फ्राइड थे मोमोज और द टेस्ट वाज सुपर अमेजिंग, सुपर अमेजिंग. पहले जो है बहुत ज़्यादा नॉर्मल लग रहा था, आफ्टर दैट मोमोज की बाइट जो सैंडविच में आ रही थी ना अमेजिंग थी. सो इसको टेस्ट करा देंगे इसको कैसा लगता है. सो लेट्स सी, ये टेस्ट करके बता कैसा है सैंडविच. न्यू एक्सपेरिमेंट किया मैंने कुछ. दिस इज हाउ आई एम लुकिंग. पूरा मेरा टेस्ट करके बता कैसा है. बीच वाली से बाइट लियो, ट्राई कर. कैसा है? ये बढ़िया मोमो सैंडविच बनाया. तुझे कैसे पता चला मोमोज है? लग रहे हैं ये मोमोज है इसके अंदर की फीलिंग. बता बढ़िया लग रहे हैं ये कैसे? पास है थम्स अप, थम्स अप. तो आई एम गोइंग फॉर आउटिंग. तो मिलते हैं थोड़ी देर में तैयार होके. तो दीज वर द क्लोथ्स आई वॉज गोइंग टू वेयर एंड दीज आर द फुटवेयर फ्लैट्स. आई रियली डोंट नो मुझे यहाँ पे क्या दौरा पड़ा था और ये कौन से स्टेप्स में ही कर रही हूँ. बड़ी स्टुपिडिटी कर रही हूँ मैं जो भी कर रही हूँ. और यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्टाइल मार के दिखा रही हूँ. और ये थी मेरी आज की आउटफिट, ब्लैक ट्राउज़र विद ब्लू टॉप विच इज़ अ क्रॉप टॉप और इसके नीचे मैंने ब्लैक जो है सैंडल्स वेयर करी थी. दैट्स इट. एंड दिस इज अ सिंपल लुक विदाउट मेकअप. और मैंने सिंपल पिंक लिप शेड लगाई थी. दैट्स इट. दिस वॉज अ सिंपल लुक एंड आई एम गुड टू गो नाउ. सो लेट्स गो. So one thing I forgot to wear and this was my bag. So this is the last thing I'm wearing in my outfit and now I'm good to go. If you want to dye your hairs you can. And यहाँ पर मैं थोड़ा thumbnail create करने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ अच्छा सा thumbnail मिल जाए जो कि मेरा एक ही pose रहेगा life भाई में मुझे लगता है. Bye. बाहर
वजह से पता नहीं कितनी कड़क धूप हो। क्या बात होगी, सर मारना जरूरी है? घर आके मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, तो मैंने अपने मोमोज जो हैं पैन फ्राई करे एयर फ्राई के अंदर, मैंने थोड़ा सा चीज़ डाला उसके अंदर जो कि टिक नहीं रहा था ऊपर, फिर भी मैंने ज़बरदस्ती उसके ऊपर ऐड ऑन किया एंड दिस इज़ गुड टू गो। एंड ये अब हम खा सकते हैं। इट वॉज सो अमेजिंग आई कॉन्ट टेल यू। आपको दिखाते हैं चीज़ मोमोज। हमने अपने डिनर टाइम में ऑर्डर किए हैं ये शैम्स के मोमोज, जिसका बिल था फॉर 305 रुपीस विद टैक्सेस, जिसके ऊपर 50 रुपीस का डिस्काउंट मिला था। लेट्स ट्राई दिस मोमोज, देखते हैं कैसा है ये टेस्ट में। और इसके साथ हमें मिली थी ये वाली दो डिप्स हैं, एक है हमारी डिप है स्वीट हनी गार्लिक है, और साथ में इन्होंने ऊपर से कोई टिप और डाली हुई है एडिशनल। एंड सेकेंड डिप है हमारी माय फेवरेट चिली गार्लिक, एंड इसके लिए मैंने चिली गार्लिक के लिए मैंने अपने एक्स्ट्रा 40 रुपीस पे की है, क्योंकि ये सॉसेज भी नहीं दे रहे थे इसके साथ। यार सॉस तो देनी चाहिए ना, वी आर पेइंग सो मच, तो एटलीस्ट हम एक सॉस तो एक्सपेक्ट करती है इनसे। तो ट्राई करते हैं अपने मोमोज, हम ठीक है सब ये मैंने अभी ट्राई करके देखा बैक ऑफ द कैमरा,
तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगेगा टू बी ऑनेस्ट। ये वेज है कितना ब्रांड है ये 90 है बिग बिग फ्लॉप बट मेरे को अच्छा लग रहा है ये डिजाइन वाइज डिजाइन इज नॉट इन दी समटाइम टेस्ट ऑल्सो मैटर्स बिग फ्लॉप लेट्स ट्राई आवर पनीर मोमोज पनीर मोमोज कैसे लगे गुड दिस इज एक्चुअल गुड दिस इज एक्चुअली गुड दिस इज द पनीर मोमो गाइस यू कांट बिलीव ये पनीर मोमोज कितने के होंगे 50 ये है 60 रुपीस के और ये जो बिल्कुल बकवास हैं और सबसे एक्सपेंसिव वही याद हैं वो सबसे महंगे हैं 90 रुपए के हैं ये 4 पीस 5 पीस 4-5 बहुत बेकार थे ओनली 4 पीस आया ये पनीर किसी आपको मैं जिंदगी में ना खाऊंगी ऐसे मोमोज अगर कोई इंसान पहली बार मोमोज खा रहा है उसको एक्चुअल में हेट हो जाएगी ये मोमोज खा के ये वाले कुछ नहीं है तो ये है मिक्स वेज वाले मोमोज बढ़िया है मैदा मिक्स हमेशा एक्सपेंसिव गुड नहीं होते हाँ ये अजमाई हुई बात है कि एक्सपेंसिव चीज़ जो है कभी भी अच्छी नहीं होती बट अनफॉर्चुनेटली जो ये है पनीर वाले ये सबसे बेस्ट हैं और सबसे सस्ते भी यही हैं बट आज के जो थे सबसे बेस्ट मोमोज थे वो शैंक्स के थे अमेजिंग मोमोज चलो शैंक्स को हम ठीक है शैंक्स बट ये क्या बोलूँ उसको डिफरेंट हैं ये भी और जो उनसे ये हैं ये स्ट्रेट हैं स्ट्रेट और इसमें थोड़ा डिफरेंस तो हो गई ना या ऑफकोर्स थोड़ा तो डिफरेंस होगा हम ये नहीं कह सकते कि स्ट्रीट फूड माड़ा है वो अच्छा मैं तो स्ट्रीट फूड लवर हूँ मुझे स्ट्रीट फूड तो खाना बहुत अच्छा लगता है टू बी ऑनेस्ट आज की तक मोमोज की सबसे बेस्ट रेसिपी कौन सी लगी बेस्ट चीज कौन सी लगी पनीर मोमोज और ये भी अच्छे हैं एक बस सैंडविच वाले अच्छे लगे थे चीज वाले अच्छे लगे ये वाले अच्छे लगे या ये अच्छा लगा ये अच्छा सबसे फर्स्ट नंबर पे फर्स्ट और ये पनीर मोमोज स्ट्रीट फूड का मैं यही खाऊंगा सैंडविच भी अच्छा था बट पंजाबियों को तो ऐसी चीज़ नहीं अच्छी लगती है सैंडविच ये रहा हमारा पनीर आज का हम चैलेंज करते हैं बस यहीं पे ख़त्म मिलते हैं अपनी नेक्स्ट समय वीडियो के साथ जो कल आएगी तब तक के लिए बाय थैंक यू लव यू अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट थैंक यू बाय